ये नहीं की मेडिसिन। थैंक यू। होश आ गया ना? नहीं। कौन है? तसाम, इब्तसामुद्दीन। ठीक, खैर वो डॉक्टर्स कह रहे थे इनको थोड़ी देर में होश आ जाएगा। आप परेशान मत होइएगा। माहिर थैंक यू, तुम ना होते तो क्या करती मैं? शुक्रिया कह के शर्मिंदा मत करें मुझे। ठीक है आप नाराज हैं मुझसे, लेकिन मैं आज भी आपको अपना दोस्त समझता हूँ। ऐसी दोस्त जिसने मेरी मदद की, मेरा ख्याल रखा। हाँ वो अलग बात है कि अपनी एक ख्वाहिश से आपका मूड खराब कर दिया मैंने। भूल जाओ उस ख्वाहिश को। आप भूल गई? मैं शादी कर रही हूँ इनसे। इब्तसामुद्दीन से? क्यों, इसमें इतनी हैरत की क्या बात है? हैरत की बात तो है ना, आप जैसी शानदार खातून फिर से खंडर में कैद होने जा रही है। शादी कैद तो नहीं होती। शादी कैद ही होती है मेरी, हर मर्द और औरत के लिए ऐसी कैद जिसका इंतखाब खुद अपनी मर्जी और अपनी खुशी से किया जाता है। मगर मुझे लगता है इस बार शादी करने के लिए इंतखाब आपने अपनी मर्जी और खुशी का नहीं किया, बल्कि दूसरों की मर्जी से किया। वरना मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट करके आप उनको तरजीह नहीं देती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है मेरे। खैर आपकी अपनी जिंदगी है, आपके अपने फैसले हैं, आपको जो बेहतर लगे। एक बात कहूँ आपको, इन अंकल से बहुत बेहतर इंसान आप डिजर्व करती हैं, या शायद आपको हिदायतुल्ला जैसे मर्द की आदत हो गई है। तुमने मेरी बहुत मदद कर दी है, प्लीज अब तुम जा सकते हो। सॉरी अगर आपको मेरी बात से तकलीफ हुई हो। नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। चले, बेस्ट ऑफ लक। चलता हूँ, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।